नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बीफार्म 7 सेमेस्टर यूनिट 3rd चल रही थी हमारी। एक टॉपिक कवर कर लिया था हमने, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम या यूनिट 3rd का सेकेंड टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और हम वीडियो के बीच में आपको बता देंगे कि नोट्स की PDF कहाँ अवेलेबल होगी। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक देखिए, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मेनली हमारे गैस्ट्रिक जो सिस्टम होता है, GIT सिस्टम होता है, उस पर ये एक्ट करेगा। ऐसा सिस्टम है जो यहीं से हमारा कंट्रोल होगा स्टोमक और GIT से। तो इसमें देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। मेन अप्रोच ऑफ दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू प्रोलॉन्ग ड्रग गैस्ट्रिक रेसिस्टेंट टाइम, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन प्रिंसिपल क्या है इसका है कि जो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम होता है ड्रग का, कि अपन ये जो ड्रग ले रहे हैं कि गैस्ट्रिक स्टोमक में कितनी देर तक रुकेगा, मतलब कितना उसका टाइम होगा रेजिस्टेंस टाइम, तो वही इसका मेन अप्रोच है, उसको बढ़ाता है, ये प्रोलोंग करता है। जिससे क्या होगा कि जो सिस्टमिक इफेक्ट हो गए, लोकल इफेक्ट हैं, हमने कोई अगर अल्सर को ट्रीट करना है तो ये नहीं है कि अगर डायरेक्टली ड्रग ली और वो तुरंत अब्जॉर्ब हो गए, मेटाबोलाइज हो गई, तो उसका इफेक्ट शो नहीं होगा प्रॉपरली। अब इसके लिए अपन को गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो रिटेन रहती है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, जिससे उसका अच्छा से इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अपन को मिल जाता है। तो ये इसका मेन एम होता है। दस टारगेटिंग साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज इन द अपर GIT फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट, यही बताया है हमने। देखिए ये गैस्ट्रिक रीजन है, इसमें ड्रग प्रेजेंट है, हमारी ड्रग आई हमने एडमिनिस्ट्री की ओरल रूट के द्वारा, और इसके बाद ये प्रोलोंग टाइम तक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी और अपना एक्शन शो करेगी, जिससे क्या होगा कि जो GRT है, गैस्ट्रिक रिटेनिंग टाइम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस सिस्टम का, कि गैस्ट्रिक रिटेनिंग टाइम को बढ़ाना है ड्रग को। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एम इंक्रीज, जो बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोलोंग टाइम तक रिटेन रहेगी तो बायोअवेलेबिलिटी जरूर इंक्रीज होगी। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी, अगर प्रोलोंग टाइम तक रुक रही है ड्रग हमारी, रिटेन हो रही है, तो वहाँ पर एक्शन शो जरूर करेगी ये पार्ट। मिनिमाइज ड्रग कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएशन, जो ड्रग की कंसेंट्रेशन में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं उनको ये मिनिमाइज करेगा। लॉन्गर रेजिडेंस टाइम इन स्टोमक कुड बी एडवांटेज फॉर लोकल सिस्टमिक इफेक्ट, ये हमने बताया कि अगर लॉन्गर टाइम तक वो रिटेन रहेगी तो जो स्टोमक में सिस्टमिक अपन को एक्शन शो करना है वो अच्छा एडवांटेज रहेगा उसके लिए। इट इंक्रीज द इकोनॉमिक यूज ऑफ डोजेस। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्लूड रिक्वायर्ड इन स्टोमक, मतलब जो फ्लूड्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टोमक को, इनको इंक्रीज कर देता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट नॉट सुटेबल फॉर ड्रग हैविंग लो सोल्युबिलिटी इन गैस्ट्रिक फ्लूड, मतलब ऐसी ड्रग जिनकी सोल्युबिलिटी गैस्ट्रिक फ्लूड में डाउन होती है, तो ऐसी ड्रग का इस सिस्टम में अपन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे इसके अंदर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट अप्रोच फॉर GRDDS। GRDDS का मतलब है गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें तीन अप्रोच दे रखे हैं, थ्री अप्रोच अपन को स्टडी करने हैं। फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। दोस्तों अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए डायरेक्ट मेरे से। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, इन दिस अप्रोच द ड्रग इज को एडमिनिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट इन टू द डोजेस फॉर्म टू डिले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्प्टी टाइम। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है उसको ऐसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या को एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये गैस्ट्रो इम्पेन जो एम्प्टी टाइम होता है हमारा गैस्ट्रो स्टोमक का, उसको ये डिले करता है, मतलब उसका टाइम इंक्रीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्रग है वो
ज्यादा प्रोलोंग टाइम तक रिटेन रहेगी। सेकंड है फिजियोलॉजिकल अप्रोच। इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल मटेरियल और फैट डेरिवेटिव आर फॉर्मुलेटेड बाय दिस अप्रोच। मतलब जो नेचुरल एंड फैट डेरिवेटिव होते हैं उनको इस सिस्टम, इस मतलब अप्रोच के द्वारा मेड फॉर्मुलेट किया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा ड्यूडोनल एंड जेजुनल जो रिसेप्टर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एम्पिटी में काम आते हैं उनको ये स्टिमुलेट करेगा, जिससे हमारा जो रिसेप्टर है वो जो एम्पिटी गैस्ट्रिक एम्पिटी रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करेंगे, जिससे कि जो हमारी ड्रग है वो एम्पिटी वाले एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगी। थर्ड अप्रोच है हमारा फार्मास्यूटिकल अप्रोच। ड्यू टू रिलेटेड टॉक्सिसिटी द अबाउ अप्रोच आर नॉट यूज। कुछ टॉक्सिसिटी होती है इनकी, जिस कारण से ये हमारे जो फार्माकोलॉजी का अप्रोच है और फिजियोलॉजी का जो अप्रोच है ये यूज में नहीं लिए जाते हैं, तो इसका अपन यूज करते हैं। द वेरियस फार्मास्यूटिकल अप्रोच आर, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल अप्रोच है, लो डेंसिटी एंड फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसकी डेंसिटी तो लो होती है, लेकिन ये यूज होता है मेनली गेस्ट्रो रिटेंसिव के लिए, मतलब प्रोलोंग टाइम के लिए कि ड्रग का जो गेस्ट्रो रिटेंसिव टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। ये हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी में क्या होता है दोस्तों, हाई डेंसिटी में नॉन फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम डोजेस फॉर्म हैविंग डेंसिटी मोर देन जो स्टोमक में जो फॉर कंटेन होता है उससे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मॉडिफाइड सेफ एंड अनमॉडिफाइड सेफ, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसकी सेफ में मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। लास्ट है ब्यूको बायो एडेसिव और म्यूको एडेसिव और गेस्ट्रो एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इनका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन, पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम, जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कितने टाइप है। टू टाइप है इसके दोस्तों, फर्स्ट है नॉन इफर्वेसेंट सिस्टम, सेकेंड है इफर्वेसेंट सिस्टम। तो नॉन इफर्वेसेंट सिस्टम में क्या है, एक्सपांडेबल एंड स्वेलेबल सिस्टम। सेकेंड है इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम, इसकी अपन स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। इसमें है टू टाइप्स, गैस जनरेटिंग सिस्टम और वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। तो गैस जनरेटिंग में है सिंगल लेयर फ्लोटिंग टेबलेट और बाई लेयर फ्लोटिंग टेबलेट, और भी है इसके अंदर लेकिन अपन स्टडी नहीं करेंगे। इसमें इंट्रागैस्ट्रिक गैस्टोइंटेस्टाइनल सिस्टम और इनफ्लेटेबल, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, और मतलब ये दो टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं इनको, ये टॉपिक पढ़ना है अपन को इनफ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दिस सिस्टम इज इनकॉर्पोरेट विथ एन इनफ्लेटेबल चेंबर। इसके अंदर एक इनफ्लेटेबल चेंबर होता है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग यूज कर रहे हैं वो एनक्लोज होगी, इनकॉर्पोरेट होगी, जिसको अपन फर्दर रिलीज करवाएंगे। चेंबर कंटेनिंग लिक्विड ईथर दैट गैस्ट्रीफाइड एट बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो चेंबर होता है ना, जो चेंबर होता है वो लिक्विड ईथर का बना होता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के जो गैस्ट्रिक टेम्परेचर है उसके ऊपर ये मेल्ट हो जाता है, जिससे जो हमारी इसके अंदर ड्रग एनक्लोज है वो रिलीज हो जाएगी। कोज द टेम्परेचर इज इनफ्लेट इन द स्टोमक। इन दिस सिस्टम फर्स्ट द इनफ्लेटेबल चेंबर फिल विथ ड्रग एंड देन एनगैस। मतलब ये क्या होगा, इसके अंदर पहले तो जो ईथर का ईथर लिक्विड ईथर का जो चेंबर है उसके अंदर अपन ड्रग फिल करेंगे, उसके बाद उसको एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा जिलेटिन कैप्सूल के अंदर फिट कर देंगे, मतलब उसके चारों तरफ कोटिंग हो जाएगी, फिर उसको अपन गैस्ट्रो ओरली उसको इंटेक्ट करेंगे। वंस कैप्सूल एडमिनिस्टर ओरली कैप्सूल डिजोल्व एंड रिलीज ड्रग रिजर्वायर विथ इनफ्लेटेबल चेंबर। मतलब एक बार अपन कैप्सूल ले लिया हमने, जो एनकैप्सुलेशन के द्वारा जिलेटिन कैप्सूल बनाया है उसको ले लिया हमने, एडमिनिस्टर कर लिया ओरली, तो जो कैप्सूल है वो डिजोल्व हो जाएगा, फिर वो रिलीज करेगा जो हमारा इनफ्लेटेबल चेंबर था उसको, जो इनफ्लेटेबल चेंबर है वो गैस्ट्रिक टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारी ड्रग
रिलीज होगी और फर्दर फार्माकोलॉजिकल एक्शन सोख रहेगी। तो ये सिंपल डायग्राम है, इनफ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की इसमें है, ये जिलेटिन कैप्सूल है, ये ड्रग रिजर्वायर है और ये हमारा एक इनफ्लेटेबल चेंबर है। तो इसको इंटेक्ट करेंगे ड्रग को, तो ये हमारा कैप्सूल है, ये डिजोल्व हो जाएगा, फिर बचेगा ये हमारा इनफ्लेटेबल चेंबर। तो चेंबर में जो ड्रग है वो ये टेम्परेचर पे ये भी मेल्ट हो जाएगा और ये हमारी ड्रग रिलीज हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो ये इसका सिस्टम हो गया। एक और बायोएडेसिव या म्यूकोएडेसिव है, इसको गैस्ट्रोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस डिलीवरी सिस्टम म्यूकोएडेसिव पॉलीमर आर यूज्ड दैट एडहेर टू गैस्ट्रिक म्यूकोसल सरफेस एंड प्रोलॉन्ग इट्स जीआरटी गैस्ट्रो रिटेंसिव टाइम। मतलब जो म्यूकोएडेसिव पॉलीमर इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक रिटेंसिव टाइम है, एमपीटी टाइम है, उसको बढ़ा देते हैं। कौन कौन से अपन म्यूकोएडेसिव एजेंट यूज करेंगे पॉलीमर्स, फर्स्ट है नेचुरल ओरिजिन से सोडियम एल्जिनेट जिलेटिन गोबर गम, और सेकंड है सेमी सिंथेटिक से एचपीएमसी कैटायनी नॉन आयनिक से सर्फेक्टेंट होते हैं न्यूट्रल, उनका अपन इसके अंदर यूज करेंगे। ये सिंपल डायग्राम है म्यूकोएडेसिव बायोएडेसिव गैस्ट्रो इंटेस्ट गैस्ट्रोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता है, एक एपिथेलियम सरफेस है, म्यूकोसा है, यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर फिर ये ड्रग रिलीज होगी हमारी, ड्रग रिलीज। तो ये सिंपल है, तो ये हमारा गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक और बचा है इस यूनिट में, उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।